स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू चिल्ड्रन। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वह है हिंदी ग्रामर का वचन। आपकी बुक में जो कुछ शेड्यूल था बच्चों, अब तक हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं। अब हम आपसे थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन भी लेंगे और समझेंगे। तो आपको ग्रामर पोर्शन करने के लिए आपके पास पहले दो बुक्स थी, अब दो बुक्स नहीं है, तो मैं आपको जो अलग से समझाऊंगी वो आप समझेंगे। आज हम समझेंगे वचन। वचन तो आप सब जानते ही हैं, वचन क्या होता है। एक वचन, बहुवचन, जो एक वस्तु रहती है उसे एक वचन कहते हैं, और जो बहुत सारी वस्तुएं रहती है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जब आप छोटी क्लास में थे तो सिर्फ आपको ये समझाया गया था, जैसे माला मालाएं, किताब किताबें। जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तो उसकी थोड़ी डिटेल बताई जाएगी कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं। फिर आप बड़ी क्लास में आएंगे तो वचन किस आधार पर एक वचन बहुवचन बनते हैं, इस तरीके से बच्चों क्लास के हिसाब से आपको हर नॉलेज मिलती जाएगी। तो आज मेरा जो टॉपिक है वह है वचन। आपको मैं वचन, जो आप मेरे पास कुछ बुक है उसमें पिक्चर के द्वारा आपको समझाऊंगी ताकि आपको जल्दी से समझ में आ सके। तो बच्चों, आपको जो मैं पिक्चर बता रही हूँ वो आप देखिए ध्यान से, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, सुनना है। साथ में आपको एक पेंसिल, इरेजर और नोटबुक भी रखनी है। जो आपको लिखाई जाएगी बातें वो आपको लिखनी है, क्योंकि ये कहीं क्वेश्चन आंसर नहीं है कि आपको दे दें, आपको समझना है। इसकी परिभाषा भी मैं बोलती जाऊंगी और आपको लिखते रहना है। अगर वीडियो में आपकी परिभाषा दिखी हुई आती है तो आप उसको देखकर भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये पिक्चर आप ये पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ वस्तुएं हैं और कुछ प्राणी जनसंख्या भी है। अब प्राणी जनसंख्या क्या है, ये जैसे दादी है, दादा है, ये जेंट्स है, लेडी है, ये बच्चे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इन सबको क्या बोलेंगे, प्राणी जन। और जो वस्तुएं जैसे कि ये टेबल है, झूला है, पेड़ है, मेज है, इन सबको क्या बोलेंगे हम, वस्तुएं। तो जैसे लड़की है, झूला है, दादी है, ये सब एक से अधिक है। अब आप देखिए इसमें बच्चों, ये जैसे फूल है, फूल क्या है, बहुत सारे हैं। तितलियां क्या है, बहुत सारी है। पेड़ पौधे क्या है, बहुत सारे हैं। लड़के क्या है, एक से अधिक है। लड़कियां क्या है, एक से अधिक है। परंतु जैसे इसमें दादा दादी और ये लेडी, इस तरीके से ये एक एक है, तो हमें ये पता चलता है कि जिस शब्द से किसी जो रूप है इनका एक या अनेक होने का पता चल रहा है। क्या बोलेंगे हम इसकी परिभाषा, कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। क्या लिखेंगे आप, फिर दोबारा देखिए, शब्द के, आप लिख भी सकते हैं मेरे साथ साथ, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब आप देखो कौन से शब्द से पता चल रहा है, दादी दादा, मम्मी पापा, इस तरीके से। और अगर आप यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तितलियाँ, बच्चे, पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं तो पेड़ों, तो इस तरीके से इन शब्दों से आपको पता चल रहा है कि ये एक वचन है या बहुवचन। अगर बच्चों मैंने आपको ये प्रश्न दिया कि वचन किसे कहते हैं, क्या प्रश्न दिया कि वचन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से, आप देख के लिख लें मेरे साथ साथ, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब आपको पता है वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु होती है और बहुवचन में बहुत सारी वस्तु होती है। जैसे कि आपको एक पुस्तक दी तो क्या लिखेंगे आप, एक किताब।
और बहुत सारी दी तो क्या लिखेंगे, अनेक किताबें। किताब से किसमें बदल गया वो, किताबें, बहुत सारी किताबें हो गई। तो ये हो गया आपके एकवचन और बहुवचन। अब बच्चों एकवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं, ये ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और इसे अपनी रफ नोटबुक में अभी लिखेंगे, फिर फेयर नोटबुक में आप इसको करेंगे। एकवचन, जो शब्द एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराते हैं वे एकवचन कहलाते हैं। क्या लिखेंगे हम, जो शब्द एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराते हैं वे एकवचन कहलाते हैं। जैसे खिलौना, पेंसिल, छात्र, टोपी आदि, ये सब क्या है, एक एक है। अब आता है आपके बहुवचन, क्या आता है आपके बहुवचन, जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराते हैं। किस किस का, एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु, क्या क्या बच्चों, एक से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं यानी हमें इससे पता चलता है वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे खिलौने, पेंसिलें, छात्रों, टोपियाँ, तो इस तरीके से ये हो गए बहुवचन, एकवचन और बहुवचन। अब आपको पता चल गया बच्चों कि वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी का एक या अनेक वस्तु का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन बहुवचन। एक वचन क्या होता है, जो शब्द एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराता है उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं, जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध कराता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब बच्चों कल की जो वीडियो है उसमें आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वचन परिवर्तन के नियम। अब आपने देखा होगा कहीं तो आ की मात्रा लगी रहती है, कहीं ए की मात्रा लगी रहती है, कहीं चंद्रबिंदु वाली जो है ए की मात्रा है, तो ये सब क्यों होता है। जैसे आपने कहीं तो देखा नीति, नीतियाँ, कहीं आपने देखा पंखा, पंखे, इस तरीके से ए की मात्रा, आ की मात्रा, इन सब में क्या परिवर्तन होता है, ये छोटी छोटी बातें आपको कल सीखने को मिलेगी। तो कल की वीडियो में आप जरूर देखें। आज का होमवर्क है आपके, तीन क्वेश्चन आपको करने हैं। एक वचन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखेंगे हम, बहुवचन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखेंगे उदाहरण के सहित, और वचन किसे कहते हैं ये भी आप लिखेंगे। तो आपका हो गया वचन और वचन के प्रकार। तो बच्चों कल के लिए आप तैयार हैं ना, वचन परिवर्तन के नियम, किसके नियम बताऊंगी मैं आपको कल, वचन परिवर्तन के नियम। थैंक यू।